कर रखे पूरे देश के। और पूरी तरिया खुश है, तन मन और धन सारी चीज है मोदी के ताई, और फिर उसके बाद योगी प्रधानमंत्री तो मैच में देख लिया है कौन बनेगा। इंडिया मैच जीत रही थी, वहाँ पे पहुंचते हार गई तो क्या प्रधानमंत्री जीत जाती, तो फिर बोलता मोदी मोदी जीतेगा, बोलता फिर बोलता फिर प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा। क्या वजह है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी इसलिए मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा उनकी नीतियाँ हैं, योजनाएं बहुत अच्छी है। आपके साथ हिमांशु मुद्गल, आज जनता से जुड़ेंगे, जनता से जानेंगे कि 2024 चुनावों में आखिर किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि आप सभी को पता है 2024 चुनाव आने वाला है। ऐसे में एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करेगी। जनता से करते हैं बात, आइए मेरे साथ। 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भैया तुम जानो तारा काम जाने, हम तो बोलते नहीं सरकार के विपक्ष में किसी भी। देख भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री भाई मोदी बनेगा। हाँ क्यों बनेगा मोदी, क्या वजह है? भाई सारी खूबी है मोदी में, कमी के है, कमी तो एक भी नहीं, कति वारे नारे कर रखे पूरे देश के। खुश है आप? और पूरी तरिया खुश है, तन मन और धन सारी चीज है मोदी के ताई, और फिर उसके बाद योगी। ठीक आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो मैच में दिख गया कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो मैच में देख लिया है कौन बनेगा, कौन बनेगा? मैच देखने वाले देश चलाओगे क्या आप? तर्क वाले बात करो, मैच में दिख गया क्या दिख गया? इंडिया मैच जीत रही थी, वहाँ पे पहुँचते हार गई तो क्या प्रधानमंत्री जीत जाती, तो फिर बोलता मोदी मोदी जीतेगा, बोलता फिर मोदी जीतेगा, बोलता फिर बोलूंगा। देश की नेता की तुलना मैच से थोड़ी होती है, जो मैच होता है ना वो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होता है, उसमें सरकार क्या कर सकती है मैच में, जो सरकार कर सकती है वो सरकार कर रही है, और फिर मोदी ही आएंगे। आप रिव्यू ले रहे हो पब्लिक का, बट मोदी वोटर साइलेंट है आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे उड़दंगी पता नहीं कोई क्या कोई क्या, लेकिन मोदी मोदी है। 2024 के चुनाव में कमल का फूल और भाई मोदी और फिर योगी और राम राज्य आओगा भाई। अभी नहीं आया भारत के, रुक जाए इसके बाद क्या कह रहे हैं? हम प्रॉपर दिल्ली के, तू बाहर का होगा ये गारंटी है। नहीं आप कहाँ के हो? मैं प्रॉपर दिल्ली का। किसी जगह के हो? बाहर का। हम मिठाई लेके आएंगे, आपके नंबर देके जाना। अगर मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा भाई, इसमें क्या शक है? शक की बात कर रहा है। मिठाई मेरे भाई मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, आपके घर में पहुंचवाऊंगा। बात कर रहे हैं जैसे अब इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कहती बढ़िया चल रही थी, किसी से पूछ लो कह रहा वर्ल्ड कप भारत जीतेगा, और फिर वो चाल से बदल गया, अब आप पलटा मार टीम इंडिया वही वाला काम होता है भाई। विपक्ष वाले हैं, अब ये वोट मांगेंगे कि मोदी मैच देखने चला गया था और मैच हार गए, और पब्लिक इनकी मान लेगी पार्टी का नाम, ये मतलब अपनी पार्टी के ऐसे तर्क भी नहीं रख सकते कि भाई फलानी पार्टी अखिलेश हो गया या भाई कोई कांग्रेस होगी के मारते वोट क्यों दो। मोदी वाले ने तो सब नहीं पता है भाई के करना है, धारा 328 राम मंदिर बना दिया है, अभी मोदी जी के नाम पे गिरने लग गया, यहीं पे लग गया। देख रहे हो, तुमने देखा नहीं मैच ऐसे, इससे पूरा ज्यादा चुनाव हारेंगे वो तो आरएलडी है मेरे भाई। और सुने वो भी महाराज है, जयंत हमारी कोई वो नहीं है, जयंत भी अपना है, जब कहेंगे ना तो जब अपने दौरे में आलेगा ना तो नुकसान ठान लग रहा होगा ना। जट्टा की पार्टी है, हम दिल्ली के जाट है, जट्टा ने दिल्ली घेर के भर रखी है, ठीक है, लेकिन हम मोदी के घायल हैं। हाँ कुछ योजनाएं बढ़िया भी हैं, कोई बात नहीं, हर कोई एक तरफा भी हो बढ़िया, कुछ योजनाएं बढ़िया भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, अब क्या बताए, अब जनता का जैसा रुख है वो तो वोट जब देने जाता है आदमी, जब भी डिसीजन लेता है भाई कहाँ देनी है, बदल भी जाता है बहुत सी जगह के भाई हम नहीं देंगे उसको देंगे, चलो जैसा जिसको अच्छा लग रहा है, जनता की राय है जैसा भी करेगा कोई। क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। क्या वजह है मोदी जी को? क्योंकि मोदी जी इसलिए, क्योंकि मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा उनकी नीतियाँ हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, तो मेरा मानना है कि मोदी ही बनेंगे। बाकी स्टेट में मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस, हर जगह स्टेट में अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे तो वो मोदी बनेगा। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरा भी क्या अर्थ है, इंडियन सिचुएशन और देखने का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो मर्डर आदमी है, लड़की को प्रॉब्लम बहुत, बच्चे को प्रॉब्लम, बच्चे लोग कांजा पीना नशा पीना इसको मतलब क्या है? इधर कांग्रेस आने के बीजेपी के आने के क्या फ़ायदा? इधर अच्छा पार्टी आने के फ़ायदा, मैं प्राइम मिनिस्टर आने के बहुत अच्छा है, इससे क्या करता है, इसका मतलब क्या है? देखो हमारे बच्चे लोग कांजा पीते हैं नशा पीते हैं, लड़की लोग मर्डर। आपको क्या लगता है? देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय।